दौर में तो टीवी था ही नहीं. यू बिगिन विद फिल्म. काफी समय तक आपने काफी फिल्में की जी. अब आप टेलीविजन में अच्छे अच्छे किरदार कर रहे हैं, आपको मौका भी मिल रहा है जी. तो इस पूरे जर्नी को आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, किन बदलावों को महसूस करते हैं? देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है तो भगवान ने मुझे ये तौफीक दी है, ये करेज दी है कि मैं वक्त के साथ बदलता हूँ. अगर मैं वक्त के साथ नहीं बदलता तो मैं आज यहाँ नहीं होता. पीछे कहीं छूट के, कहीं बुढ़ा बन के, कहीं बेलकनी में बैठा होता, किड़किड़ करता होता, या सब्जियां लाता, या कुत्ते घुमाता. तो सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि बिकॉज आई चेंज्ड माई सेल्फ विद द टाइम्स, इसीलिए आई एम वर्किंग टुडे इवन एट दिस एज. नंबर टू, क्या बताऊँ, अच्छी जर्नी रही. मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितनी बड़ी मेरी झोली थी एज एन एक्टर, भगवान ने उससे कहीं ज़्यादा दिया. आई एम अबाउट 400 फिल्म्स ओल्ड. आई एम 55th ईयर रनिंग एज एन एक्टर. कभी छुट्टी नहीं मिली, कभी ऐसा नहीं आया कि 14 साल का बनवास मिला हो काम से. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव प्रोडक्शन हाउस, आई हैव डायरेक्टेड, आई हैव एक्टेड, आई हैव एडिटेड. प्लस ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट मैं एक एक्टिंग टीचर भी हूँ. तो पूना इंस्टीट्यूट FTII, जो देश का गौरव है, उसका स्टूडेंट हूँ. बाद में 8 साल मैंने उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी संभाला, बच्चों को सिखाया भी. राजकुमार राव, जयदीप अलावत, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं. राइट फ्रॉम सोनाली बिंद्रे टू अनिल कपूर टू गुलशन ग्रोवर, दे आर ऑल माई स्टूडेंट्स. सो मैं इसलिए ये सारे डिटेल बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद मिला कि एक्टिंग भी की, टीचिंग भी की, डायरेक्शन भी की, सब. और क्या चाहिए इससे बढ़कर सेटिस्फेक्शन, इससे बढ़कर मेमोरीज. और फिर मैंने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया, दिलीप साहब, देव साहब, मीना कुमारी जी, राजकुमार साहब, प्रदीप कुमार साहब, यू नेम इट, बलराज सानी साहब, ओम प्रकाश जी, प्राण साहब, संजीव साहब, यू नेम इट, धर्म सर जी. कोई तो मेमोरी बताइए ना उनके साथ. बहुत सारी हैं, किताब लिखनी पड़ेगी. एक आध तो बताइए. नहीं, बहुत सारी कि हैं. किसी मेमोरी ने आपको इंस्पायर्ड किया हो, याद रही हो, कुछ तो बताइए. बहुत ऐसी बहुत है, मैं यकीन कीजिए बहुत मेमोरीज. नहीं, डेफिनेटली होगी. तो उनके साथ साथ मेरा एक और बड़ा अच्छा रहा कि मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी as the compere and MC of the whole show for Mr. Kishore Kumar, for Mr. Mahendra Kapoor, for Nootan ji, unke apne show hote the, and Udit Narayan and Kumar Shanu, Kavita Krishnamurti, you name it, Gurdas Van, everybody unka MC bhi raha, shows kiye all over the world. To jo range hai, jo range hai, wo bahut badi hai. मैं समझ गया आपका इशारा. मैं वाइंड अप करता हूँ. थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया. इट वाज वेरी नाइस. इज रिक्वायर्ड एक्चुअली. एक दो सवाल है अभी. हम बस 2 मिनट दीजिए क्योंकि इनके तो 1 घंटा इंटरव्यू आराम से. एक एक फिल्म पे डिस्कशन करेंगे तो वो फिल्म की कहानी बन जाएगी. आई स्वेयर. तो आई बीन वेरी लकी, मुझे बहुत नवाजा भगवान ने. बहुत शुक्रिया है, राम जी की कृपा रही. अच्छा करियर, अच्छी फैमिली, अच्छा सब कुछ, अच्छी जिंदगी, कोई रिग्रेट नहीं. एक आज अगर बोलेंगे आ जा तो चला जाऊंगा. एक सवाल, सत्ते पे सत्ता वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म फॉर मी एट द सेम टाइम, उसमें आपका रोल और वो बत्तियां बुझा दो, दैट वाज अ ब्यूटीफुल. मुझे बताइए, आप इतने सालों बाद जब वो गाने आपके सामने कभी सुनने में आ जाते हैं, कभी कोई गा देता है, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं आपको ये बताऊं, बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट आजकल जहां भी मैं जाता हूं तो लोग जब मुझे देखते हैं तो प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया गाना शुरू कर देते हैं. तो बहुत अच्छा लगता है. दीज आर माइलस्टोन्स ऑफ माय लाइफ करियर. रफू चक्कर, ऑल दीज फिल्म्स, आज की ताजा खबर, खोटे सिक्के, मेरे अपने, जवानी दीवानी, ऑल दीज फिल्म्स आर मेमोरीज फॉर मी व्हिच आई ऑलवेज चेरिश. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर और एंकर, होस्ट, ये जो आपके टैलेंट्स है, मतलब यू आर मल्टी टैलेंटेड, ये
कम एक्सप्लोर हुए या इस पोटेंशियल को नहीं एक्सप्लोर हुआ? उस वक्त बहुत अच्छे एक्सप्लोर हुए थे. अब धीरे धीरे हर हर चीज का एक वक्त होता है. वो बहुत उस वक्त आई एंजॉयड, आई वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोरानीस ब्रदर्स ये वो सबके शोज किए, आमिर खान सलमान सबके साथ शोज किए एज अ कंपेयर. तो ठीक है वो दौर खत्म हो गया, फिर नया कुछ आया, फिर डायरेक्टर बन गए, फिर एक्टर बन गए, फिर ये हो गया, फिर दैट्स द वे द चेंज इज लाइफ. बिल्कुल लाइफ कीप्स चेंजिंग. मजा आया बट आई लव्ड माय लाइफ, आई एंजॉयड माय लाइफ. आपका एक शिखंडी वाला रोल जी, भी महाभारत में मैंने शिखंडी का अमेजिंग इट वाज और बहुत टफ था उस समय के लिए. पावर कुछ शेयर करना चाहिए मेरे लिए भी वो एक बहुत प्यारा और बहुत चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था. तो आप कैसे रेडी हो गए क्योंकि उस समय तो ऐसा कोई बात करना भी पसंद नहीं किया जाता था, हालांकि ऐतिहासिक और क्या कहा गया था आपको? देखिए इट्स अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है. आज भी शिखंडी की It was a woman turned into a man. Exactly. With at that time sex transplantation, Vedic लोग गुरु लोग कर देते थे. जिसके शिखंडी के पूर्वज वंशज आज भी हैं, शिखंडी की औलाद आज भी है, मतलब उस समय से. So एक ऐसे historic, एक ऐसे किरदार को करना मेरे लिए और वो भी महाभारत जैसे बड़े सीरियल में बहुत बड़ी बात थी. It was a very big थिंग और चैलेंज क्योंकि वो कैरेक्टर एक योद्धा होने के साथ साथ एक फेमिनिन भी था. बहुत उसकी लचक उसका वो गया नहीं था बिकॉज ही वाज बेसिकली अ वुमन टर्न्ड इनटू अ मैन. तो बड़ा मजा आया एंड बहुत एप्रिसिएशन हुई थी टच वुड. और महाभारत में बेसिकली मैंने दो किरदार किए थे. महाभारत के शुरू में मैंने सुदामा का रोल किया था, फिर शिखंडी का रोल किया. Nobody knows, very few know. And तीसरी एक बात बड़ी गहरी बताऊं कि ये टेलीविजन के लिए आज हम यहाँ मिले हैं. टेलीविजन सीरियल जो पहला इस देश का बना था वो मेरे साथ था, लड्डू सिंह टैक्सी वाला 1976. और उस समय वीडियो नहीं होते थे, सिर्फ फिल्में होती थी. हाँ. तो 16 mm के 30 मिनट के 13 एपिसोड्स बना के रिले किए थे क्योंकि दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट था और उस वक्त एक ही जगह से रिले नहीं होता था, मतलब दिल्ली वाले दिल्ली करते थे, लखनऊ केंद्र, लखनऊ ये जो भी थे, 7 सेंटर थे. तो लड्डू सिंह टैक्सी वाला इस देश का पहला सीरियल है. यूट्यूब पे होगा ना? नहीं, उन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, अभी भी पड़ा हुआ आर्काइव में. करते नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. एक्चुअली होना चाहिए, होना चाहिए. नहीं, देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. बट मैंने बहुत कोशिश की, दूरदर्शन के यहाँ इल्तजा की, रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने सुना नहीं. आई होप दे लिसन एंड पड़ा हुआ आर्काइव में निकाल के उसको डाल दें यूट्यूब पे. सर अभी फिल्म इंडस्ट्री में आपके टच में कौन है, किनके साथ आपका वक्त गुजरता है या फिर कभी किसी से बातचीत? वक्त तो मैं मोस्टली फैमिली मेंबर हूं, तो अपने ही फैमिली में बिजी रहता हूं. लेकिन ये है कि कभी कभार सबसे मुलाकात होती है, जैकी से होती है, रंजीत से होती है, जो जो अपने हैं सबसे मुलाकात होती है. चिंटू से लास्ट मुलाकात हुई थी पर उसके बाद वो निकल लिए. आपके बच्चे? मेरा बेटा भी एक्टर है, हितेन पेंटल, बचना है हसीनो एंड इधर उसने 10-12 फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं. ही इज माय सन. माय डॉटर इज आल्सो विद मी बट शी इज नॉट इन द इंडस्ट्री, इनटू एक्टिंग. अच्छा, ओके ओके. हैव यू, मैं मुख्तसर सी कहानी. जी जी, बस लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर थॉट टू पिन डाउन योर मेमोरीज? यू हैव वास्ट जर्नी. नो, आई डोंट वांट, बिकॉज़ द मेमोरीज आर वेरी प्रेशियस. आई डोंट वांट, बेसिकली आई वांट माय ट्रेजर टू बी माइसेल्फ. हां, ये है, यारों दोस्तों में शेयर करते हैं. जी जी जी. और कोई शो आप कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे OTT पे भी आ रहे हैं 2-3 शो, फिल्में भी अभी की हैं 2-3. लगा रहता हूँ, आई कीप वर्किंग. नाइस, बिकॉज़ दैट इज व्हाट गिव्स मी द स्ट्रेंथ एंड द एनर्जी. बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी नाइस सर. थैंक यू. प्लेजर मीटिंग यू. थैंक यू.